दुनिया के 10 सबसे बड़े साम्राज्य जिनकी वीरता और शक्ति के आगे दुनिया ने घुटने टेक दिए। नमस्कार, मैं कामना, आप सभी का स्वागत है भारत दर्शन में। इस पृथ्वी और उसके संसाधनों पर राज उसी ने किया जिसने अपनी वीरता और शक्ति से उसे जीता, सिकंदर हो या फिर चंगेज खां, इन सब ने उसे अपनी वीरता और अपनी शक्ति से एक साम्राज्य को स्थापित किया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन 10 सबसे बड़े साम्राज्य के बारे में। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। इस पृथ्वी और उसके संसाधनों पर राज उसी ने किया जिसने अपनी वीरता और शक्ति के बल पर इसे जीता, सिकंदर हो या फिर चंगेज खां, सभी ने अपनी वीरता से ऐसे साम्राज्य स्थापित किया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे विशाल साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका विस्तार पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से पर रहा। अमेरिका की माया सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिना जाता है। इस सभ्यता का साम्राज्य 3000 साल पुराना माना जाता है। इस साम्राज्य का उदय ईसा से 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस पुरानी सभ्यता का केंद्र मैक्सिको, गोटमाला, होड्रास, अल सेल्वोड़ा तक फैला हुआ था। इस सभ्यता के अवशेष आज भी पिरामिड के रूप में देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंच साम्राज्य, दुनिया के बड़े साम्राज्यों में फ्रेंच साम्राज्य का नाम शामिल है। माना जाता है कि एक समय पूरी पृथ्वी की 10% जनसंख्या पर इसका कब्जा था, जिसके कारण ही ये एक समय में फ्रेंच पूरी दुनिया में ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक थी। फ्रेंच के इस साम्राज्य ने अफ्रीका, अमेरिका, एशिया के कई देशों तक जीत लिया था। 17वीं शताब्दी से लेकर के फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का महाराजा बना और उसके शासनकाल में भी फ्रांस के साम्राज्य का बहुत ही विस्तार हुआ। अब अगर हम बात करें तो अजमेर साम्राज्य, ये साम्राज्य दुनिया के बड़े साम्राज्यों में से एक था। इसे अंग्रेजी तथा ग्रीक में एकेमेनिड अजमेर साम्राज्य कहा जाता है। ये ईसा पूर्व 500 से 550 से लेकर के ईसा पूर्व 330 तक प्राचीन फारस, जो कि अब ईरान है, में फैला था। इस साम्राज्य ने पश्चिम यूनान से लेकर के पूर्व में सिंधु नदी तक, उत्तर में कैसियान सागर से लेकर के दक्षिण में अरब सागर तक अपने विस्तार किया था। इस वंश का पतन सिकंदर के आक्रमण से हुआ। 330 ईसा पूर्व में ये खत्म हो गया। रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य को विश्व का सबसे विशाल साम्राज्य माना जाता है। रोमन साम्राज्य 27 ईसा पूर्व से लेकर के 476 पश्चिम 1453 ईसा पूर्व यूरोप के रोमन नगर में केंद्रित था। यह साम्राज्य इतना विशाल था कि इसके भीतर पूरी दक्षिणी यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के क्षेत्र भी शामिल थे। इस साम्राज्य का पतन 5वीं शताब्दी के अंत तक हो गया। यह साम्राज्य यूरोप के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग था। पांचवा हम बात करेंगे मंगोल साम्राज्य। 13वीं से 14वीं शताब्दी तक ये दुनिया का सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य था। ये मध्य एशिया से शुरू होकर के यूरोप और जापान के सागर से लेकर के उत्तर रूस के साइबेरिया से लेकर के भारत के नीचे दक्षिण तक फैला हुआ था। चंगेज खान इस साम्राज्य का शासक था। इसके इतिहास का बेहद कुशल शासक माना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक अपने चरम पर था, जो कि 33 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। उस समय पृथ्वी के कुल भूक्षेत्रफल का 22% जो हिस्सा था इसके कब्जे में था और इसकी आबादी 10 करोड़ थी। अब हम बात करेंगे छठवां, ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य को दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। इसकी सीमाएं पूरे यूरोप, अमेरिका, एशिया तक फैली हुई थी। कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था। एक समय पूरी दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 1/4 भाग इसके अधीन था, यानी कि कुल मिलाकर के 50 करोड़ लोग इसकी प्रजा थी। इसी ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा। सातवां हम बात करेंगे स्पेन का साम्राज्य। दुनिया के शुरुआती साम्राज्यों में स्पेन का साम्राज्य को गिना जाता है।
इसके अधीन यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और एशियानी क्षेत्र आते हैं। इस साम्राज्य के विस्तार का प्रभाव दुनिया के कई मुल्कों की संस्कृतियों पर भी पड़ा। 600 साल पुराने इस साम्राज्य ने अपनी आर्थिक ताकत के बूते पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बना रखा था। अब मुगल साम्राज्य की बात करें, मुगल साम्राज्य के बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता है। तुर्की मंगोल का अधिकांश शासन केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप तक रहा। वर्ष 1526 में शुरू हुआ यह साम्राज्य का विस्तार बांग्लादेश से लेकर के पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर के उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी घाटी तक था। इतिहासकारों का मानना है कि एक समय में ये 40 लाख किलो के क्षेत्र पर ये फैला हुआ था। इस साम्राज्य की जनसंख्या उस समय करीब 11 से लेकर के 13 करोड़ के बीच थी। ये साम्राज्य 18वीं शताब्दी से शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप में कायम रहा। किंग डायनेस्टी चीन का आखिरी साम्राज्य द किंग था। इस साम्राज्य के बाद चीन रिपब्लिक हो गया। किंग डायनेस्टी की स्थापना मंचू क्लेन एसिन जियोरो ने की थी, जिसे आज मंचूरियन के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्रफल विस्तार के आधार पर दुनिया के सर्वाधिक बड़े साम्राज्यों में से एक था। हम 10वां बात करेंगे ऑटोमन उस्मानी। ऑटोमन उस्मानी साम्राज्य ओटोमो इस साम्राज्य की कहा जाता है कि ये तुर्की साम्राज्य था। ये इतिहास के लंबे और पुराने साम्राज्यों में से एक था। इसका विस्तार दक्षिणी और पूर्वी यूरोप में पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक माना जाता है। तो ये थे दुनिया के सबसे बड़े 10 साम्राज्य। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, नमस्कार, मैं कामना, आप सभी का स्वागत है भारत दर्शन। सो गाइस, भारत दर्शन ट्रैवलिंग चैनल है, जैसे कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसी तरह से आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी, नए नए वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बस अपना ख्याल रखिए।